और उधर रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह का यह कहना है कि लोकायुक्त के तौर पर उनकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करना होगी। जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जस्टिस वीरेंद्र सिंह से बात की इंडिया 24/7 संवाददाता अवनीश विद्यार्थी ने। तमाम विवादों और अड़चनों के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जस्टिस वीरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे, हमारे साथ हैं। सर, नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति अब आपकी हो गई है, पहली प्रतिक्रिया क्या? मुझे खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पद के योग्य पाया और मेरी नियुक्ति को नामित किया। इससे बड़ा सौभाग्य और मेरा कोई नहीं हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सबसे बड़ा भारत का एक सबसे बड़ी संस्था है, उसके द्वारा मुझे अपॉइंट किया गया है। जो वर्तमान सरकार है उसने अपना घोषणा पत्र जब ले आया था, जब पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी, तब लोकायुक्त संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम अमेंडमेंट्स लाने की बात कही गई थी और कहा गया था कि इसमें सुधार किया जाएगा। लोकायुक्त संगठन की ओर से एक प्रस्ताव भी भेजा गया शासन में और इसको सशक्त करने की बात कही गई, कुछ एजेंसीज वगैरह को इसके जाँच के लिए दी गई, लेकिन आज तक इसको लेकर के फैसला नहीं हुआ। एक जस्टिस के तौर पर भी आपका एक नज़रिया होगा इसको लेकर के और लोकायुक्त संगठन को मजबूत करने को लेकर के। देखिए, लोकायुक्त संगठन को कितना मजबूत किया जाना है ये लोकायुक्त संगठन को देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक हमारे लोकायुक्त अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं वो अपने आप में एक अच्छा संगठन है। हाँ, उनको क्रियान्वित करने में यदि कोई परेशानी आती है तो उस वक्त देखा जाएगा। और कोई अच्छा प्राविधान अपने अधिनियम में लाने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो उसका प्रस्ताव भी किया जाएगा। आखिरी सवाल है सर, वर्तमान और पूर्व सरकारों के कई सारे मंत्रियों, विधायकों, यहाँ तक कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की भी जांच लोकायुक्त संगठन में चल रही है, कई सारे जांचें लंबित हैं आपके स्तर पर भी यानी लोकायुक्त के स्तर पर भी, और कुछ मामले जिनको लोकायुक्त ने रेफर किया सरकार के स्तर पर वहाँ भी जाँचें सालों से लंबित हैं, इन दोनों चीज़ों को कैसे इसमें आगे बढ़ाएंगे? नहीं देखिए, जाँच किसी की भी हो, चाहे वो सरकार की हो, सरकार के मंत्री की हो, सरकार के अधिकारी की हो, पदाधिकारी की हो, तो जांच तो जांच है। उसके बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि जांच ये बड़े आदमी की जांच है, ये छोटे आदमी की जांच है। जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो मंत्री है, तो उसको उसी तरीके से उसकी जो ग्रेविटी, उसके खिलाफ जांच की जो ग्रेविटी है उसी के द्वारा, उसी के अनुसार डील किया जाएगा। जैसे वीरेंद्र सिंह का कहना था कि ग्रेविटी के आधार पर जो केसेस सामने आएंगे, चाहे मंत्री के खिलाफ हों, विधायक के खिलाफ हों, वो टैकल किए जाएंगे। कारण अवनीश विद्यार्थी, इंडिया 24/7।